You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. So, Assalamualaikum friends and welcome back to my channel Tactic Tech. And here is me guys, Iqbal. So, आज जो product को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने वो है एक Android TV, जो कि एक 40 इंच का Android TV है TCL वालों के तरफ से. और इसकी प्राइस क्या है, इसकी स्पेक्स क्या है, और ये हमें कितने का पड़ा है, किधर से पड़ा है, ये आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा. इसकी फुल रिव्यू और अनबॉक्सिंग आपको इस वीडियो में मिलेगी. काफ़ी कमाल की प्रोडक्ट है और बस ये आप नाम पढ़ें यहाँ पे Android TV, इसकी क्या क्या खासियत है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि इतने बड़े बॉक्स के लिए मुझे कहीं पे जगह नहीं मिली थी सही से इसको शूट करने के लिए, कि कहाँ पे मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर पाऊँ. तो बड़े मुश्किल से मुझे एंगल मिला है और बड़े मुश्किल से एक एंगल क्रिएट किया है कि मैं इसे यहाँ पे इस जगह पे शूट कर पाऊँ. और अगर इस टीवी के बॉक्स के आपको बताओ तो ये 40 इंच का यहाँ पे टीवी है. इसके अलावा एंड्रॉइड टीवी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीआर सपोर्ट है, माइक्रो डायनेमिक इसकी जो एलईडी जो होती है वो माइक्रो डायनेमिक है. इसके अलावा यहाँ पे एंड्रॉइड टीवी होने की वजह से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे गूगल प्ले का सपोर्ट मिलता है. और भी कई खासियत है, अंदर आपको बताऊँगा. गूगल प्ले का मतलब है आप इसके अंदर दूसरे जो ऐप्स वगैरह है वो इंस्टॉल कर सकते हो. इसके अलावा नेटफ्लिक्स इसके अंदर प्री इंस्टॉल आता है, जो कि नेटफ्लिक्स के जो यूजर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ऑसम होने वाला है. यूट्यूब इसके अंदर अवेलेबल होता है. तो यार यूट्यूब से याद आया, ऐसा नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे. और इसके अंदर यूट्यूब भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है. और जो मुझे इसके अंदर एक खासियत दिखी है वो यहाँ पे इसके अंदर ब्लूटूथ भी बिल्ट इन अवेलेबल है. और यहाँ पे आपको क्रोमो कास्ट जो कि यहाँ पे बिल्ट इन अवेलेबल है, इसका मतलब आपको जो एक क्रोमो कास्ट नाम की प्रोडक्ट होती है जिससे आप अपने मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है वो आप कास्ट कर सकते हो टीवी के ऊपर वायरलेसली. ये वो सिस्टम होता है वो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, अलग से लगाते हैं टीवीज के अंदर, बट इसके अंदर यहाँ पे बिल्ट इन अवेलेबल होती है. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस टीवी का मॉडल दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ मॉडल है, स्पेक्स है. तो यहाँ पे जो मॉडल है L40S65000 यहाँ पे इसका मॉडल है. इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे सिंबल्स मिल जाती हैं. नीचे एक QR कोड है TCL वालों का. इसके अलावा अगर ऊपर की लुक देखनी है तो ऊपर यहाँ पे बस इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है. ये फ्रंट एंड है यहाँ पे, मतलब इसको उस जगह के ऊपर रखना है. एंड्रॉइड टीवी का यहाँ पे एक और आपको लोगो मिल जाता है. सो बगैर टाइम वेस्ट के हम इसको खोलते हैं यहाँ पे. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो यहाँ पे ये हो चुका है अनबॉक्स शुरू. सो इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि पहले तो सबसे पहले मुझे एक ये बॉक्स मिला है. अगर इस बॉक्स की मैं बात करूँ तो ये लग रहा है मुझे कि ये जो दीवार पे जो क्लेम करते हैं ये वो चीज़ होने वाली है. हाँ जी, ये वही है जो हम इसे दीवार पे जब इसे इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल कर लेते हैं ये वो चीज़ें. तो उसे मैं वापस रख देता हूँ, जब दीवार पे लगाना होगा तब देखा जाएगा. वैसे लगाना तो दीवार पे ही है. इसके अलावा यहाँ पे जो हमें एक ये स्टैंड मिला है काफ़ी पतला सा नाजुक सा, जो कि अगर इसको किसी चीज़ के ऊपर रख के यूज़ करना है तो ये वो चीज़ है. यहाँ पे ये स्टैंड निकला है. सो इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर से ये कुछ निकला है. तो इसके अंदर एक ये जो कि ऑक्स पिन से जो वीडियो ऑक्स पिन होती है, वीडियो आउट जो इसमें ऑप्शन होगी और वीडियो ऑक्स जो इसके अंदर ऑप्शन होगी ये एक वो पिन निकला है. इसके अलावा मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको. ये ऑक्स पिन है जो कि उसमें से निकल वीडियो आउट करने के लिए होता है, अगर आपको कुछ इस वाली केबल से कुछ काम हो तो उसके लिए. और इसके अलावा यहाँ पे एक स्मार्ट रिमोट है जिस पे आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स वगैरह का ऑप्शन है. और जो सबसे ऑसम चीज़ मुझे लगी है अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर एक यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन है, मतलब इसके अंदर एक बिल्ट इन माइक यहाँ पे अवेलेबल है. अगर आपको छोटा सा यहाँ पे सुराख दिख रहा हो इस जगह पे तो ये बिल्ट इन माइक यहाँ पे अवेलेबल है. सो आप इससे बिल्ट इन यहाँ पे आप कुछ भी कहोगे गूगल वालों की तरफ से, जो कि यहाँ पे कीबोर्ड का भी है, आप यहाँ पे कुछ भी कहोगे तो वहाँ पे टाइप हो जाते हैं ये वॉइस. इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी यहाँ पे नहीं है. सेटिंग वगैरह का ऑप्शन है. पीछे यहाँ पे TCL के हेल्प सेंटर का नंबर लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है.
बाकी इस पैकेट के अंदर से ये कुछ स्क्रूज निकले हैं, और इसके अलावा यहाँ पे है कुछ हमारे पास यूज़र गाइड, जो कि अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, कलर योर वर्ल्ड के नाम से। ये पता नहीं है ब्लैक एंड वाइट क्यों यहाँ पे कलर योर वर्ल्ड लिख के, सॉरी ये कलर में। तो ये आई थिंक वारंटी कार्ड है जी, ये हमारा यहाँ पे वारंटी कार्ड है और 2 ईयर्स की वारंटी है। आप देख सकते हो पार्ट्स एंड पैनल की 2 ईयर्स वारंटी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल है, तो इसे पढ़ लेंगे हम बाद में। तो देखते हैं इसके अंदर आगे से क्या निकलता है। सो एक बड़ा सा थर्माकोल निकला है इसके अंदर से, एंड इसके अलावा नीचे एलसीडी है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि इसे निकालना कैसे। तो पहले मैं यहाँ से जगह क्लियर कर लेता हूँ एलसीडी निकालने के लिए। सो ये हमारी एलसीडी आ चुकी है बाहर, एंड इसमें और कुछ तो नहीं है, इसे मिटा सकते हैं यहाँ पर। सो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर अब कुछ नहीं रहा, एक थर्माकोल है अंदर, और जो चीज़ें इसके यहाँ पे सामने हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मुझे एंगल लेना पड़ रहा है इस प्रोडक्ट के लिए, इतना बड़ा मुझे हो जा रहा है। एंड इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर से ये रैप हटाऊँ तो इसके ऊपर टेपिंग करके ये रैप को लगाया हुआ है। ओके, ये इधर टेप नहीं है, उसके साथ ही निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है कि ये स्टिकर वो है जो एलसीडी के साइड पे लगा हुआ रहता है, एंड ये इसमें कैसे चिपक गया या इसके ऊपर चिपकाया है कंपनी वालों ने, ये मुझे नहीं पता। बट इस पे ये वही सारे स्पेक्स है जो कि मैंने आपको पहले बताया, और नीचे एक न्यू की ब्रांडिंग है क्योंकि ये थोड़े से न्यू मॉडल अपग्रेडेड मॉडल अभी जो आया है एंड्रॉइड टी वी TCL वालों का। तो ये वो है, इसे यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी टी वी के ऊपर अगर आपको न्यू जैसा लुक देना है कि भाई मैंने न्यू टी वी लिया है। और अगर लगाने तो लगा लेना भाई, वैसे मुझे तो वैसे ही सिंपल डिसेंट पसंद है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलसीडी की अगर बात करें हम, तो ये एलसीडी है यहाँ पे के छोटा सा स्मॉल सा TCL की ब्रांडिंग हुई हुई है। अगर क्लोज से लुक दे तो यहाँ पे TCL की एक ब्रांडिंग हुई हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्लिमनेस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना स्लिम हो रहा है यहाँ पे, ये थिकनेस इसकी आप देखो बहुत ज़्यादा ही स्लिम हो रहा है। बाकी ये इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा ये मोटा, बिकॉज आई नो कि इस जगह पे इनकी सर्किट्स वगैरह यहाँ पे होंगी। बाकी यहाँ पे पीछे वही यहाँ पे आपको यूज़र्स मैनुअल वगैरह हैं जो कि TCL वालों की ब्रांडिंग है, HDMI वगैरह जो भी है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं इधर लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे एक हेडफोन जैक मिल जाते हैं, अगर कैमरा सीधे जूम कर पा रहा हो तो। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हेडफोन जैक यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे AV अडेप्टर है जो कि मैंने आपको पिन दिखाया था इससे पहले। यहाँ पे HDMI 1 है, HDMI 2 है यहाँ पे। इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे एक इंटरनेट के लिए आपको पिन दी हुई है कि आपको डायरेक्ट इसमें इंटरनेट ईथरनेट जो डायरेक्ट अनेबल करना है तो वो है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको केबल का यहाँ पे जो एंटीना जिसे कहते हैं उसकी आपको यहाँ पे पिन दी हुई है। पर आपको एक लैन की आपको दी हुई है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क की जो सर्विसेज होती है, जो वायर वाली सर्विस होती है वो दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर USB 2.0 की पोर्ट दी हुई है, जहाँ पर आपको आउटपुट भी दिखा रहा है कि 0.5 एम्पीयर की यहाँ पर आउटपुट दे रहा है और 5 वोल्ट्स की आउटपुट है, मतलब यहाँ पर USB वगैरह आप लगा सकते। सो फ्रेंड्स, अब इसका टाइम आ गया है कि मैं इसे स्टार्टअप कर लूँ, और स्टार्टअप करने में जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि ये एक एंड्रॉइड टीवी है तो ये सिंपल तरीके से तो ऑन होने वाला नहीं है। जो भी होगा प्रोसेस मैंने कभी इसे किया भी नहीं है, तो अभी इसे ऑन करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे इसे प्लग इन तो कर दिया है, अब यहाँ पे ये ऑन कहाँ से होगा, मतलब रिमोट ढूंढना पड़ेगा ना। सो ये है हमारे पास यहाँ पे रिमोट, एंड रिमोट से मैं इसे ऑन करता हूँ। इसका सेंसर कहीं पर यहाँ पे, आई डोंट नो उसकी कहीं पर लाइटिंग वगैरह भी है या नहीं है, पता नहीं इसके अंदर सेल भी है कि नहीं है। पहले से इसका सेल चेक कर लेते हैं। ओह, ऑन हो गया, मीन्स दैट इस पर सेल है। सो अरे सेल कहाँ लगता है, ओके पूरा रिमोट का कवर खुलता है तो सेल लगा हुआ है। एंड स्मार्ट रिमोट है, मतलब अगर रिमोट टूटा तो आपका मतलब नुकसान होने वाला है अच्छा खासा। सो यहाँ पे ये बूटअप हो रहा है, तो एंड्रॉइड है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, TCL के यहाँ पे लोग हैं। ओह माई गॉड, सो यहाँ पे ये गूगल एंड्रॉइड का आ रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंड्रॉइड का कुछ लोगो स्टार्टअप लोगो आ रहा है। सो आई थिंक ये टाइम लेगा, अगर टाइम लेगा तो मैं इसे वीडियो को कट कर दूंगा। ओ यहाँ पे ऑन हो गया एंड्रॉइड लेके आ गए, एंड नो चैनल प्रेस ओके टू स्कैन।
ओके जी, सो इसमें यहाँ पे टीवी कनेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग दैट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसके नेटफ्लिक्स ऑन किया है एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, सो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ओके करता हूँ, इसे नेटफ्लिक्स तो ऑन नहीं हो रहा एंड इसे वाईफाई ऑन किया तो आप देख सकते हो साइड में वाईफाई ऑन का ऑप्शन आ चुका है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कोई भी वाईफाई स्कैन नहीं कर रहा, ओह वाईफाई हमारा ऑफ है। सो मैं यहाँ से एक हॉटस्पॉट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल, क्योंकि मेरी वाईफाई यहाँ पे ऑफ पड़ी हुई है आज। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाईफाई आ चुका है एंड यहाँ पे मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल से। एंड जब मैं यहाँ पे ये वीवो वालों का हॉटस्पॉट है तो मैंने इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है पासवर्ड का। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन पासवर्ड पुट कर दिया, और पासवर्ड पुट करना यार वाकई रिमोट से आगे पीछे करने के बाद ये देख रहे हो आप कितने कम कीजिए, कम से कम रिमोट में यार कीबोर्ड तो होना चाहिए था ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है एंड कनेक्ट होने के बाद देखते हैं क्या यहाँ पे प्रोसेस दिखाते हैं। सो मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स ऑन किया था और वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे पुट किया। सो नेटफ्लिक्स साइन अप करना कह दे, साइन अप क्योंकि मैं नहीं करने वाला, ओके कनेक्टेड हो गया ये। सो मैं इसे बैक पे करता हूँ। सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे टीवी मोड है और मुझे यहाँ पे एंड्राइड मोड पे स्विच करने के लिए इस बटन को प्रेस करना होगा। कैमरा यहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहा, इस बटन को प्रेस करना होगा। सो जैसे मैं प्रेस करूँगा ये एंड्राइड मोड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड शिफ्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स, टी चैनल्स और यूट्यूब यहाँ पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आप देख सकते हो टीवी ये सोर्सेज हैं एंड इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये चैनल्स कुछ कस्टमाइज है कि आप यहाँ पे चैनल्स ऐड कर सकते हो। ये कार्टून्स कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी आपको डेली मोशंस वगैरह यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इसके अलावा जो ऊपर ऐप्स का यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं अगर ऐप्स पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स यहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं, बट अगर मैं प्ले स्टोर पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये वही आपको साइन इन करने का कहेगा और अपडेट 11 ऐप्स को अपडेट कर रहे हैं। सो उसके अंदर मेरे ख्याल से 8GB या 16GB यहाँ पे स्टोरेज है, मैं ज़रा चेक करता हूँ उसे। 8GB की यहाँ पे इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज भी मिल जाती है तो आप 8GB तक इसके अंदर ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे साइनअप का कह रहा है, मैं यहाँ पे साइनअप इसे कर देता हूँ फ़ौरन से। सो यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड भी यहाँ पे इंटर कर दिया है और इंटर करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ इससे किसे लॉगिन हो जाएगा एंड ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है। यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आपकी जो गेम्स वगैरह होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे मैं दोबारा इसे ओपन करूँ तो ये सिंपली आपको सिर्फ एक बार लॉगिन करने का यहाँ पे नीड होगा, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो ऐप्स हैं आपके इंस्टॉल हो जाएंगे और मतलब आप गेम्स वगैरह भी यहाँ पे इजीली प्ले कर सकते हो। सो अगर दिखाऊँ मैं आपको तो यहाँ पे गूगल प्ले के अंदर गेम्स सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले तो देखो एस्फाल्ट 8 यहाँ पे अवेलेबल है जो कि टीवी के अंदर तो यार काफ़ी ऑसम होने वाला है, ओपी होने वाला है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं, आई डोंट नो कि पबजी इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन अगर चलेगा भी तो आप इस रिमोट कंट्रोल के साथ तो भाई उसे नहीं चला सकते, इतना तो समझ लो। तो मेरे ख्याल से तो पबजी मुश्किल है इस पर चले, लेकिन यहाँ पे एक हद तक के बहुत सारे गेम हैं। अगर आपने इसके अंदर गेम्स को इंस्टॉल करना है तो भाई बहुत ऑसम होने वाला है। सो अगर नीचे आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेड चिगर भी है, बॉम्पर फ्रेंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको वही पुराने गेम क्लासिक गेम्स वगैरह आपको जो होते हैं सबवे सफर्स वगैरह वो सारे अवेलेबल मिल जाते हैं इसके अंदर। एंड इतने सारे हैं कि मैं यहाँ पे आपको सही से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ जॉम्बीज वगैरह एम एंड शूट वाले गेम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स इसके अंदर एक और फीचर जो मुझे बेस्ट लगा तो मैं इसे सबसे पहले बैक आ जाता हूँ इन सब चीज़ों से और टीवी के मोड पे आ जाता हूँ। तो इसमें जो सबसे चीज़ मुझे बेस्ट लगी है वो अभी आपको दिखाता हूँ। जो क्रोम कास्ट का जो फीचर मैं आपको बता रहा था ब्लूटूथ और क्रोम कास्ट वाला, तो वो आपको यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मैं आपको उस वक्त क्या कह रहा था। सो ये है आपके भाई का चैनल, आपको नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दे रहा होगा तो यार इसे सब्सक्राइब कर देना और ये सारी वीडियोज़ ये विजिट करके देख लेना। पहले सबसे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ तो क्रोम कास्ट कनेक्ट है। अगर मैं क्रोम कास्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दे रहा होगा कास्ट 2 का, तो यहाँ पे कैमरा जूम नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आप देखो यूनियन टीवी लिखा हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली पीछे वहाँ पे यूट्यूब अनेबल ओपन हो गया एंड यहाँ पे अभी तक ये कनेक्टिंग शो कर रहा है तो ये पूरा फुल कनेक्ट हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये हो चुका है और ऊपर आप देख सकते हो कि वहाँ पे मेरा लिख के आ रहा है कि यहाँ से तला ने लॉगिन वहाँ से कर लिया है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से कोई वीडियो ऐसी प्ले करूँ जिसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना है तो मैं चेक करता हूँ ज़रा, अपनी वीडियो प्ले कर लेता हूँ ठीक है। सो यहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ और प्ले के ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही किया मैंने, सो ये आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे प्ले किया है और ये टीवी पे प्ले किया। देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो मैच चीज़ आपको नीचे प्ले कर रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है और अगर मैं इसकी वॉइस थोड़ी सी बढ़ाऊँ तो दिखाता हूँ आपको।
इसकी वॉइस आप देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं खुली हुई है, और जब मैं वॉइस खोलता हूँ तो यहाँ पे ये आ चुका है। मेरी वॉइस से भी यहाँ पे ज़्यादा हो चुकी है इसकी वॉइस, सो मैं यहाँ पे इसे कम कर देता हूँ। सो ये वीडियो भी नहीं देखी तो जाके ये वीडियो भी आप देख लो, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका ये हमारा मोबाइल है इधर, और ये हमारा प्ले हो रहा है वीडियो, और इसके ऊपर प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ये क्रोमकास्ट का ऑप्शन है। सो मैं इसे भी यहाँ पे बैक कर देता हूँ। इसके अलावा जो गेम्स वगैरह का है तो इसमें जो है यार, अगर आपको बताऊँ तो टेकन वगैरह, टेकन तो नहीं, जहाँ तक कि मैंने सुना है जो मारियो गेम था वो यहाँ पे प्ले हो जाता है, और एक कैप्टन गेम था जो मैं बचपन में हम सब जो बचपन में खेलते थे वो सब गेम यहाँ पे इसमें प्ले हो जाते हैं इजीली एक एमुलेटर के ज़रिए। तो उसका मैं उसी वक्त वीडियो बनाऊँगा जब मैं उसको यहाँ पे वॉल पे यहाँ पे हैंग कर दूँगा या इंस्टॉल कर दूँगा जो भी कहें। सो उसके बाद इसकी वीडियो बनाता हूँ, सो उस वक्त के लिए थोड़ा वेट करें। सो फ्रेंड्स, इसकी जो यहाँ पे मैं आपको एक आखिरी ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, जो कि ये आपको गूगल असिस्टेंट का मैंने नहीं बताया, ये वाला बटन जो है यहाँ पे, अगर मैं इसे पकड़ के यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट यहाँ पे अनेबल हो जाता है। मैं यहाँ पे जो भी स्पीक करूँगा, हे गूगल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हे गूगल कहा, इसने यहाँ पे वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया। ये देखें आप, हाउ कैन आई हेल्प यू। सो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे कुछ भी सर्च करता हूँ, हे गूगल, लो सर्च कुछ भी सर्च करने का आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे YouTube की वीडियोस आ चुकी हैं। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि इस रिमोट के अंदर, और ये रिमोट यार ब्लूटूथ के जरिए इस LCD से कनेक्ट हुआ हुआ है, मतलब आप इसे कहीं दूसरी जगह से भी यूज़ करते हो, जो ब्लूटूथ की जो 15 meters की डायमीटर होता है, आप उसमें से कहीं से भी यूज़ करोगे ये काम करेगा, बिकॉज रिमोट का कोई सेंसर वगैरह नहीं होता है। इसमें जो एक लाइट लगी रहती है वो कोई ऐसा सेंसर वाला हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इस LCD की मैंने आपको प्राइस नहीं बताई है, इस LCD की प्राइस आपको 41,000 की पड़ेगी 40 इंचेस की, और अगर 32 इंचेस पे आप जाना चाहेंगे तो ये आपको तकरीबन 7-8,000 रुपये कम का पड़ेगा। दैट्स इट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और जो मैंने आपको गेम्स वगैरह का बताया था इस पर Asphalt 8 चलता है, तो Asphalt 8 डाउनलोड करके आप लोग को दिखा दूंगा कुछ वीडियोज़ के बाद। इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर कैप्टन वगैरह, जो मारियो ब्रोस वगैरह, जो पहले के गेम्स होते हैं जिसको हम गेम पे खेलते थे, वो गेम्स भी इसके अंदर हो जाते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और नीचे जाके जो भी आपको वहाँ पे वीडियोस वगैरह और भी मेरे चैनल पे, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हो। अगर लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है क्योंकि इतनी मेहनत की एक वीडियो के चक्कर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज द बॉय तलक बास साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।